तो समाचारमां महत्वना समाचार उपर नजर करिए तो राज्यमां आगामी सात दिवस सार्वत्रिक मेघमहेरनी आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। उत्तर गुजरातमां अति भारे वरसादनी आगाही व्यक्त करवामां आवी छे, जेमां बनासकांठा पाटणमां अति भारे वरसादनी आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। मेहसाणा साबरकांठामां पण अति भारे वरसादनी आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। आ साथे भरूच सूरत नवसारी वलसाडमां पण अति भारे वरसादनी आगाही व्यक्त कराई छे। सुरेन्द्रनगर राजकोट जामनगरमां अति भारे वरसादनी आगाही व्यक्त कराई छे। पोरबंदर जूनागढ़ अमरेलीमां अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। आवनारा सात दिवस भावनगर मोरबी द्वारका गीरमां पण अति भारे वरसादनी आगाही व्यक्त कराई छे। सोमनाथ बोटाद कच्छ दीवमां पण अति भारे वरसादनी आगाही व्यक्त कराई छे। आजे समग्र सौराष्ट्रमां अति भारे वरसादनुं ओरेन्ज एलर्ट पण हवामान विभाग द्वारा આપવામાં આવ્યું છે। અન્ય જિલ્લાઓની જો વાત કરવામાં આવે તો ભારે વરસાદનું યલો એલર્ટ અપાયું છે। ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી આગામી 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે। સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન ઓફશોર ટ્રફના કારણે વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે અને તેને લઈને ભારે વરસાદની આગાહી અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। શિયાળ ઝોનના કારણે પણ વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં આજે ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે। તો આગામી સાત દિવસ સાર્વત્રિક મેઘમહેરની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં ખાસ કરીને જ્યાં વરસાદ છેલ્લા કેટલાય સમયથી રાજવામાં આવી રહી હતી અને ઉત્તર ગુજરાતમાં હવે મેઘમહેરની આશા જોવા મળી રહી છે, તો ભારે વરસાદની આગાહી ઉત્તર ગુજરાતમાં વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં બનાસકાંઠા છે, પાટણ છે, મહેસાણા સાબરકાંઠામાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો જે ત્રણ સિસ્ટમો સક્રિય થઈ છે, એક તો સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન ઓફશોર ટ્રફ અને શિયાળ ઝોનના કારણે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આને વાલે સાત દિનો કે લીએ જો ગુજરાત સ્ટેટ કે લીએ ફોરકાસ્ટ હૈ, ગુજરાત સ્ટેટ કે સારે ડિસ્ટ્રિક્ટ ખબર હૈ જિસમે લાઇટ ટુ મોડરેટ રેન કા પૂર્વાનુમાન હૈ। और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट और साथ में वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग है, वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, पाटन, महसाना, साबरकांठा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली, और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ गुजरात रीजन के, वहाँ पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे टू की बात करेंगे तो डे टू के लिए जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, पाटन, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे थ्री डे फोर के लिए सूरत, नवसारी, वलसाड, जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है, वो डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली और तापी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे टू के लिए जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, द्वारका और कच्छ शामिल है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और थंडरस्टॉर्म की बात करेंगे तो आज और कल के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है, एंटायर गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। और डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव के लिए साउथ गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। और जो विंड की स्पीड होगी वो 35 से 45 KMPH और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 65 KMPH के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। आज जो कल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग सौराष्ट्र रीजन में था वो आज भी परसिस्ट कर रहा है। और ऑफशोर ट्रफ जो कल साउथ गुजरात पे बना हुआ था वो आज भी परसिस्ट कर रहा है।
और सियर जोन पैटर्न जो कल 20 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड पे बना हुआ था, आज वो लेस मार्क हो गया है। तो आज के लिए केवल दो सिस्टम हैं जो जिसके लिए आज सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात रीजन के हैं जहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, उसमें लगभग में सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल।